भारतवर्ष में सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम की शुरुआत 1854 में हुई। अंग्रेज़ों ने इसकी शुरुआत की थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करने वाले सिविल सर्वेंट को पहले कंपनी के निदेशकों द्वारा नामांकित किया जाता था। इसके बाद लंदन के हेलीबरी कॉलेज में इन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था। यहाँ से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ही भारत में इन्हें अपॉइंट किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी की इस प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे। इसके बाद ब्रिटिश संसद की सेलेक्ट कमेटी के लॉर्ड मकाउले रिपोर्ट में एक प्रस्ताव पेश किया गया। इसके तहत भारत में सिविल सर्विसेज के चयन के लिए एक मेरिट पर आधारित एग्ज़ाम कराई जाए, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो और उसी के आधार पर सही कैंडिडेट का सिलेक्शन हो। इस तरह से एक निष्पक्ष प्रक्रिया की शुरुआत की जा सके, इस उद्देश्य के लिए 1854 में लंदन में सिविल सर्विसेज कमीशन का गठन किया गया और इसके अगले साल एग्जामिनेशन की शुरुआत हो गई। अंग्रेज़ों ने ख़ुद को महान साबित करने के लिए कमीशन का गठन तो कर दिया, मगर वो नहीं चाहते थे कि कोई इंडियन इस प्रतिष्ठित पद तक पहुँचे। शुरुआत में यह एग्ज़ामिनेशन सिर्फ लंदन में होती थी। इसके लिए मिनिमम आयु 18 साल और मैक्सिमम आयु महज 23 साल की रखी गई। भारतीयों को फेल करने के लिए ख़ास तौर से सिलेबस को तैयार किया गया और उसमें यूरोपीय क्लासिक के ज़्यादा नंबर रखे गए। अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि भारतीय ये एग्ज़ामिनेशन पास करें। शुरुआती दशकों में तो अंग्रेज़ों को लगा कि वो अपनी चाल में कामयाब हो गए हैं, मगर उन्होंने भारतीयों को कम आँक कर बड़ी भूल कर दी थी। 1864 में पहली बार किसी भारतीय ने इस एग्ज़ामिनेशन में सफलता हासिल की। सत्येंद्रनाथ टैगोर इस एग्ज़ाम को पास करने वाले पहले भारतीय थे। वे महान रवींद्रनाथ टैगोर के भाई थे। इसके बाद कामयाबी का सिलसिला चल निकला। 3 साल के बाद 4 भारतीयों ने एक साथ यह एग्ज़ामिनेशन पास की। भारत में एग्ज़ामिनेशन के लिए 50 साल का संघर्ष रहा। यही नहीं, भारतीयों को 50 साल से ज़्यादा समय तक इस बात के लिए संघर्ष करना पड़ा कि यह एग्ज़ामिनेशन लंदन के बजाय भारत में हो। ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि ज़्यादा इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में भारतीय लोग सफलता हासिल करें, मगर भारतीयों के लगातार प्रयास और याचिकाओं के बाद आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1922 से यह एग्ज़ामिनेशन भारत में होना शुरू हो गई।